पानीपत में स्वच्छता का मुद्दा हमेशा ही सुर्खियों में रहा है। शहर की सफाई का ठेका पिछले 1.5 साल से JBM कंपनी के पास है। सफाई के नाम पर निगम पिछले कई महीनों से करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, बल्कि निगम पर आज 1.5 करोड़ रुपए का कर्ज भी हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद सफाई के मामले में शहर के हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। निगम चुनाव के बाद पानीपत की प्रथम नागरिक की जिम्मेदारी लोगों ने अवनीत कौर को सौंपी और उन्होंने 100 दिन का विजन लेकर लोगों के बीच में वे आई। मेयर बनने के बाद अवनीत JBM पर भी सख्त होती नजर आई। शहर की दुर्दशा को लेकर कई बार उन्होंने कंपनी के अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। यही नहीं, वे खुद शहर की सड़कों पर उतरकर उन्होंने कचरा भी उठाया। निगम के पार्षदों और मेयर के साथ निगम आयुक्त की मीटिंग में भी स्वच्छता का मुद्दा हर बार उठा। इसको लेकर पार्षदों ने कंपनी को भी घेरा। अब चूंकि JBM कंपनी की मनमानी काबू से बाहर हो गई है, इसलिए स्वयं मेयर का धैर्य भी जवाब देने लगा है। इस मुद्दे पर शहर की सफाई को लेकर मंगलवार को उन्होंने अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने सरकार और JBM के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट को पत्रकारों के साथ साझा किया। इस कॉन्ट्रैक्ट की तहरीर ने JBM के साथ अधिकारियों को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। इसके अनुसार कंपनी को शहर से डोर टू डोर कूड़ा 12 महीने में 100% करना था, जो कि 1.5 साल में मात्र 25% हुआ है। निगम और कंपनी के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अगर JBM के कर्मचारी एक दिन भी घरों से डोर टू डोर कूड़ा नहीं उठाते तो कंपनी को 5 रुपये प्रति घर के हिसाब से फाइन भरना होगा। वहीं अगर 5 दिन तक ये सब नहीं होता तो 10 रुपये प्रति घर के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा। यही नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अगर कंपनी की कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली या रिक्शा बिना कवर हुए कूड़ा उठाती है तो 250 रुपये प्रति व्हीकल कंपनी को जुर्माना देना पड़ता है। यहाँ तक कि कंपनी के लोगों को 3 हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने थे, जो अभी तक नहीं किए गए। और तो और, कंपनी को अपना ऑफिस सुबह 6 से रात 10 बजे तक खोलना चाहिए, लेकिन अभी तक दफ्तर बनाया ही नहीं गया। इसके लिए भी अलग से जुर्माने की व्यवस्था है। अगर JBM पर लगे फाइन का मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो ये करीब 50 लाख रुपये बनता है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अभी तक कंपनी के खिलाफ कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। यहाँ तक कि इस समझौते के अनुसार अगर JBM कंपनी का जुर्माना 7 लाख रुपए से ऊपर हो जाए तो टेंडर को भी टर्मिनेट कर दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा भी नहीं हुआ। अब देखना ये होगा कि क्या शासन प्रशासन या मेयर इस मुद्दे पर कार्रवाई करेंगे, कंपनी का ठेका रद्द होगा या फिर कोई गुपचुप क्षमादान दे दिया जाएगा। मान लो कि अगर इनको कहीं से रिटर्न कम्युनिकेशन अगर करनी है तो उसके लिए ये लोग एक्स्ट्रा लोग भी अपने वहाँ पे अंदर बिठा सकते हैं, और वहाँ पर अगर कोई आकर आपसे कोई उनकी कंप्लेंट लिखता है तो उनको बकायदा एक रिसिप्ट देनी चाहिए कि हमने आपकी कंप्लेंट जो है रिसीव कर ली है, और उसके अंदर मेंशन होना चाहिए कि आपकी कंप्लेंट जो है हम 24 आवर्स के अंदर अंदर सॉल्व करेंगे। हमारी सरकार ने इतना अच्छा एग्रीमेंट करके दे रखा है, लेकिन उस एग्रीमेंट की जो पॉइंट्स हैं, जो कंडीशंस हैं, उसको जो है ये लोग फॉलो नहीं कर रहे। उसकी वजह से पानीपत के अंदर आज भी सफाई नहीं है। हम लोग एक करोड़ का, हम इनको 1 करोड़ रुपए देते हैं सफाई के लिए, उसके बावजूद भी हमारे पानीपत के अंदर ढेरों गंद हैं, अलग अलग डंपिंग पॉइंट्स बने हुए हैं। इस सेंटर इनको बनाना चाहिए था, ये सेंटर हमारा बना हुआ है। लोग हमें कंप्लेंट्स देते हैं, हमें फोटोज भेजते हैं। आप ये देखिए, आप मेरे प्रोफाइल पे चले जाइए, मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे चले जाइए, लोग गंदी से गंदी फोटोज गंद की खींच खींच के भेजते हैं, जो कि हमारा काम नहीं है, जो कि इनका काम है। अगर ये लोग, इन लोगों का प्रॉपर सेंटर बना होता तो वो कंप्लेंट्स आज इनके पास होती। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।